अब जो कभी मेरे प्राण निकाल दे। हाँ शाहरुख, अरे शाहरुख कहाँ बेटा? स्वागत तो करो हमारा। हाँ अम्मी, अरे जो कल कुर्ता पहन रखा वो कहाँ मुझको ना मिलना? अम्मी मैंने नहीं डाला बाहर छत पे, जल्दी ढूंढ ले फिर तेरा अब्बा आ जाएगा। अम्मी अब्बा आ रहे हैं आज? हाँ तेरा नानू गया लेने। इसको पार्किंग में लगा देता, तेरा नौकर लग रहा हूँ मैं, यहाँ तक ले आया ये का काम है? देख रहा आदमी तो कितना हाजिर जवाब हो रहा है ये। अब रुखसाना दिख गया ना, इसको लग रहा कुछ कहने का ना तुझसे। आजा तुझे पिलवाऊंगा चाय। गेट को मैं तोड़ दिया, इसके नीचे करी कल के आना। अब क्यों उदास बैठे हो तुम? लाओ इस कुर्ते को दे दो, कितना मैला हो रहा, धो दूंगी। रुखसाना कुर्ते को तू धो देगी? इसका जितना मैल है वो मैल भी काल देगी, पर मेरे दामन पे जो दाग लगा चाचा श्यामलाल की वजह से, उस दाग को धो पाएगी तू? अबे क्यों बाबरा हो रहा है, दुनिया जाए जेल में, हमारे सद्दाम हरी पड़े हैं जेल में, मैं भी कई दफे हुआ जेल में। अब्बा देखो तुम मेरी बात का जो बुरा तो मानना मत, वैसे बात बुरी कहूंगा मैं तुम्हारे लिए, आदमी इनों का जो दीन ईमान नहीं है, पूरा गांव मोहल्ला इनों के लिए ये कहता आज इनों का दीन ईमान नहीं है, एक नंबर के खाने खराब है लोग। देख रुखसाना ये कितना बोल रहा है। अब्बा तुमको पता ना इसकी कैसी कतरनी सी जीप चले। इसका मैंने कर्जा नहीं ले रखा, मुझको अकड़ ना दिखाए, इससे कह दे। अब्बू देखो ऐसा मेरे जो सिर पे खून सवार हो रहा, दिमाग खराब है बहुत ज्यादा, तुम रुखसाना को 1,000-2,000 रुपए जो भी तुम्हारा मिजान है वो अपना बिदाई दो, रख लो। शाहरुख को भी देने 500-700 रुपए बिदाई में, बहुत दिनों में आयो तुम। हाँ बिदाई दो, रख लो ईमान से, वरना मिट जाओगे मुझसे और कुछ ना। देख लिया आदमी, अब देख लिया तूने, कर लिया ना चुप। जब भी बिदाई का टाइम आता है ना इसी तरह गर्मी दिखा के और शांति से ही कर लेता, इतना जहरीला बुड्ढा है, इसीलिए इस मनहूस की शिकल पसंद ना मुझे। बोलने का लहजा तो तुझको भी ना, बहुत गर्मी आ रही है। देख रुखसाना जब तक मैं चाचा श्यामलाल से अपने अपमान का बदला ना ले लूंगा ना, ये गर्मी मेरे अंदर दहकती रहेगी। इससे बढ़िया तो 87 तो जेल में ही पड़ा, जब से आया ना सारा घर सर पर उठा रखा, मैं शांति से रह रही, खूब बढ़िया। अब तो रुखसाना ना सुन ले, देख जब तक मैं अपना बदला ना ले लूंगा ना इस घर में कदम ना रखने का हूँ, तू शांति से ही रह इस घर में, मेरे अपमान का तो कोई इसको फर्क ही ना पड़ रहा। हाँ जाए कल जा, सत्यानाशी नाश पीटे, तूने मेरा खून पी रखा, देखेंगे कैसा बदला लेगा तू। बे आदमी अब तू जिनावर नहीं बैठा रहेगा, मैं कितनी बेइज्जती कर रही है, खड़ा क्यों ना होता तू? चल मैं कमजोर माननी है, बदला लेकर आना। चलते फिर बदला लेके आएंगे आज। ले बुड्ढा देख रहा करगा हराम पंती ना, लेगा गाड़ी कोई काल के, ये ही नाम है। आज इधर ही कलिया, गेट को मत तोड़ दियो यार। चल आजा आजा, कोई बात ना, आजा। मैं देख रहा हूँ शाहरुख से भी ना मिलने दिया इसने, इतनी दर्दनाक जना नहीं है, रहम तो है ही ना इसका, जरा भी रहम दिल नहीं है ये। चल कोई बात ना, चल। क्या बुढ़े जो ना बुढ़ापा आगो, पर या मैं जो ना तक बुद्धि ना आया ही, हमारा और जीवन दुखी कर रखो, और कह दे तो हम सुपुरा कोई नहीं फिर। अब देख ले यार, घंटा भर से भेड़ आ रही है यू, फिर तो न्यू कहेगा मासू जो लड़ो तम, या तो न्यू कहते जीवे चलानी बंद कर देगी। ए माँ चुप हो जा, तू भी जो बेमतलब की राड़ बढ़ा कर है। हराम ज्यादा जुबान खींच लूंगी बाहर को, दुनिया के बालक कैसी नौकरी कर करके पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ बैठा बूढ़ा लो ठाली, हम पे और मेहनत करवा रहा बुढ़ापे में। अब देख लो बाबा मामा बूढ़ा लोग बता रही है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, लव यू।
आजा तेरे जू देखूंगा। तेरा पाया तेरा कल, चुप हो जा। यहाँ कुछ आ लग रही बाबा? हाँ यही देखूंगा। या कि बात को बुरा मत मान, एक रहे यू ऐसी कहवे ही तो हम तो ना बोले उल्टी। चुप हो जा। मिल गई एक, मिल गई। अब तो ना लग रही खुजा है? ना ना, अब तो आ रहा हूँ मैं बाबा। और देखूं सहज की मारे करो। अब जो ताकतवर है मैं कैसे करूं? तेज मारनी पड़े। कड़े दिना तारुशी बैठी बोलन का के लेगी। ओई माँ। श्यामलाल जी, क्यों निकाल रहे हो अपने पोते की? आइए शिल्पा जी आइए, आप कहो तो हम आपकी भी जू जो लिकार देंगे सिर में। थे श्यामलाल जी, आप भी बहुत मजाक करते हो। कहाँ जा रही भीम शिल्पा? दीदी मैं साग तोड़ने जा रही थी। किसके खेत में? सो हरवीर हर के खेत में, उनसे पूछ के आई थी मैं। अरे तो मोहतरमा यहाँ से तोड़ लीजिए ना, इसको भी अपना ही खेत समझिए। हमें बीबी ठीक कह रहा हूँ, यू ही तोड़ के ला देगा और वहाँ में घोटा भी अपना आप ही लगा देगा। बहुत कमे रहा हूँ। तेरी आप ही ना बहुत मजाक करती हो। अरे शिल्पा जी, आखिर तो आदत है मजाक करने की, ऐसी करे कर रहे हो। बहुत हम जो बताओ, रघुबीरी की हालत में है कुछ सुधार या अब भी नहीं पड़ी हो सुन्न सी? नहीं जी श्यामलाल जी, वो तो अभी भी कोमा में है। किसी दिन उन्हें होश आ जाए ना, तब मैं उनसे पूछूंगी कि उनकी हालत ये किसने की। फिर देखना आप, उसको कोमा में मैं कैसे पहुंचाती हूँ। नाजीना तुम सही कह रही हो, तुम अपनी जगह ठीक हो। अच्छा जी श्यामलाल, मैं चलती हूँ, साग लेने जाना है मुझे। दीदी बाय। बाय शिल्पा बहन। ए बाबा, कहाँ परेशानी बन गई चाची रघुवीर हर के? घने दिन सुदीख भी ना रही वे। मोथे का बुझ है, या था बुझ या पतो सारी गोट सी है। माँ को हाथ हो चाची रघुवीर हर है कोई चोट वोट पहुँचाने में? हाथ हो, दोनों हाथ है, सिर पकड़ के जो भिटाड़ा दे दे के मारो खूब। अरी माँ का होगो? अरे मोते जो मुंह भेस कर रही, मैंने रपटा दी। अब कोई पड़ावा की गलत नस पे लग गो, होगी बेहोश मैं कहा करती। अरे सौ जी, या शिल्पा तो दूर रहे करो, कहा तुम रस्तान में खड़े हो के यासु हाल चाल पूछे करो। मोह को शौक न चढ़ो या तो हाल चाल बूझने को, सब तेरे मारे करना पड़ रहा तेरी खातिर। जा दिन रखबीरी जो होश में सु आगी और वाने यहाँ यू कह दी ना कि हमला किन्न करो वापे। गई तू भागे डोलियो, फिर कहीं भी जोक्सू बचे नो, बहुत खतरनाक है यू। हमसू कल को बोलेगी ना, हम तो धमकाक मारेंगे भैया, हमें कहाँ जरूरत पड़ रही है जो हाय हेलो करने की। ना जी ना, तुम तो बुरा मान गए, मैं तो वैसे ही कह रही कल ले करो हाय हेलो, तो वहां में तो कोई बुराई ना। ए बाबा बाबा, तुम राजी होकर दिखा रहे हो, तुम अपनी उम्र को भी लिहाज करे करो। मेरे सारे दोस्त चिड़ावे मो ऐसे कह कह के तेरे बाबा सेटिंग पेटिंग, शर्म लगे मो। ओहो, अब के इनको स्वाभिमान जाग गो भाई। अरे ढोर, कल को तेरी दादी की जो बात है उजागर होगी तो पहले तो आगे जॉन को खतरा। चल 1% मैंने मोल ली, बच गई वहां के हाथन सुबह ने कानून हाथ में न लियो और वहां ने कर दी FIR पुलिस में। पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी ना सड़ेगी, यू जेल से ली गई तो हम बदनामी ना हमारी वैसे भ्याले ना फुकरे थारे। मो को दोष मत दीजो, फिर ना देख रहा तुम्हारे कोई दोस्त। ना बाबा, जैसे तुम सही समझो वैसे ठीक है। मैं नो कह रहा हूँ बाबा जी कि एक लौंडिया से बात करी मैंने, मतलब वो सेटिंग पैटिंग सी बैठाई है, नो कह रही अपने बाबा से माँ से पूछ लीजो ब्याह व्याह की। ये लो जी, ये तो अपने ब्याह के बिचौलिए खुद ही बने बैठे हैं। बेटा भाटी नागर का गोत बच रहे हो ना, तो कर लीजो, दुनिया कर रही है कोई बात ना। ना माँ, भाटी नागर का गोत ना, वो तो
और ही सिस्टम है कुछ मतलब अलग ही। ए जी यहाँ का दो लपड़ लगाई अपने स्टाइल में, मैं तो दूर बैठी हूँ। रुको भाई शर्मा मत, तुम्हारे घर का बाबा हूँ मैं तो, रुक जा। अभी तो एक हुआ हूँ, रुकवा जा दूसरा भी है। ये तो तुम्हारी माँ की तरफ से, अब तुम्हारे बाबा को अभी तो फर्ज बनता हूँ तुम्हें कुछ देने को। परे को घूमो, हाथ मत जोड़े, परे घूम जा। क्या रहा बता तो सही, कर ली घर बात, क्या मिला जवाब? लात मारी बाबा ने खेच के। तो अपनी माँ से बोलता ना, वो समझाती बाबा को। इरी माँ नहीं तो फुल साए बाबा, माँ नहीं बीज बोए और सारो, दो लपड़ और एक लात। फिर अब क्या करना है ये तो बता। अब कहाँ बताऊँ जी, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तो है जीना है मेरे बिना, ये सफर है तेरा, ये रास्ता है तेरा, तो है जीना है मेरे बिना, तो है जीना है मेरे बिना। ओ संगीतकार रोना बंद कर, अगर तेरे माँ और बाबा नहीं मान रहे ना, भाग चल मेरे साथ। भाग चलूँ तेरे साथ? देख ले कैसी बन के बता रही है, भाग चल तेरे साथ हैं, अपने बूढ़े मार बाबा छोड़ के तेरे साथ भाग जाऊं? कई दिन हुए तो हम उस मिले हुए, मतलब हमारे सेटिंग पेटिंग से हुए। हो गए 20-25 दिन। फिर ले बता, तेरे 20-25 दिनन के चक्कर में अपने मार बाबा के 20-25 साल पुराने प्यार छोड़ के तेरी गैल भाग जाऊं जी, क्योंकि तो सी बढ़िया तो कोई है ही ना, ऐसी तो हमें कोई मिली ना है। एक बात बताऊं तो, हमारा बाबा जो खेती करे, भैंस पाले गाय पाले, मेहनत करे, मो खेत पे कभी ना ले जाता, नू कह तू घर ही रह, ठंड वंड लग जाएगी। और मेरी माँ पता कैसी है, कल जो मेरो साग खाने को जी करी आ जैसे, मैं बोला माँ मेरे देखे साग खाने को जी कर रहा, जब ही गई खेत में जाके साग तोड़ के लाई, बनाया घोट घाट के मक्का का चून गेर का बढ़िया तरीका सू, और दे इंगक देख इतना लौनी घी गेर का दिया मो होड़ कर लेगे मेरे मार बाबा की, तू भाग चलो जी आखी गैल, बात ने बना रही हूँ बैठ के, जिकंदी करना आवे बस तम पे और भी आवे कुछ। एक बात और बताऊँ तो, मेरे बाबा ने जो ना मेरी पढ़ाई लिखाई पे मेरे सारे शौकन में ऐसे पैसा बहायो, वो तो मैं ही 8वीं के बाद नौ गए स्कूल नहीं, बाबा ने तो क्यों मेरा फ्यूचर बनाना चाहो, खूब पैसा देख रहे मो, और साइकिल भी ला कर दी, खूब करे हमने शौक अपने बालकपन में, कभी वैसी जान रही हो तो हमें गरीब गुरबा बात ने बना रही है। तो एक और बात बता दूँ, अपने दिमाग और अपने कौन दोनों ने खोल के सुन लीजो, मेरा ब्याह होइयो मत होइयो, जौक सु मैं छिक जाऊँ, पर अपने माँ और बाबा के खिलाफ जाकर ब्याह न करने को हूँ, नू नू करने सुखा तेरे से डर जाऊंगा मैं, दिखा रही है यहाँ करके यहाँ बैठी का है क्या, तो अभी बताई था ही मैंने, ये रास्ता है तेरा, 20 रुपया तो पे कर्जा है मेरा, जा माफ करो लिकट। ठीक धमकाई थे ना, ये भगने भगाना जो है ना ठीक ना है, भगने वाले तो भाग जावे पर और बालक जो रहे ना घर के उन पर फर्क पड़े है, फिर परिवार जो है ना उन पर विश्वास भी ना करता हो ना। बाबा यू बात तो थारी ठीक है, पर बाबा ब्याह भी तो ना हो रहा, पता ना जन कैसे कहो कृपा रुक रही है। अब भाई मोक शक हो रहा हूँ। कहा शक बाबा? मैंने सुनी है भगवान जो है जोड़ी ऊपर तक बना के नीचे गिर तो कही है। हाँ बाबा यू तो मैंने भी सुनी। तब वो ऐसा लगे तेरी वाली की जो तेरी गल जोड़ी बनाई वो जैसे भगवान ने नीचे गिरी तो टोंगन की बजाय सिर के बटन आके गिरी है, कभी होशु छोड़ी हो रास्ता में घूम के सिर के बट आके खत्म होगी हो गए। <यूरे। laughs>
चुप हो जा भैया, चुप हो जा। नहीं दुआ करेंगे, सही सलामत होवे, ज्यादा चोट फेट न आई होवे। आईसीयू में होएगी, मैं जांच करवाऊंगा, बाकी ढूंढवाऊंगा। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो ये। अरे खड़ा जो हो मैं उंगक चल रहे थे शिल्पात हो रहे मो कौम थे। बाबा बाबा मैं तनक फिर या बलियान बदलिया हूँ या मैं सड़ौन से आ रही हूँ नहा नौ में कई दिन सु तेरे में थे आ रही। मैं सोच रहा हूँ मेरे में थे आ रही सड़ौन थी। अरे गंजी ले या बदलिया, जा पहले जा। तेरे में थे यारी, जा। भाई तुम्हों क्या लग रहा, खालिद बिना बदला लिए ही शांत बैठगा? ऐसा ना सोचना जरा भी तुम्हों। ऐसा हुआ इस वीडियो की लंबाई जो ज्यादा बड्डी बन रही, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में कर दिया। आज 20 तारीख हो रही है, एतवार का दिन है। बुधवार को 23 तारीख में खालिद अपना बदला पूरा करेगा। परेशान ना होना, तुम्हें दादा पोतों को जो खिल खिल कर दूंगा। जब तक तुम इस वीडियो को जो लाइक करो, शेयर करो अपने सभी रिश्तेदारों के दोस्तों के साथ में, है ना। कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। बाकी मुझे संटेग्राम पे फॉलो कर लो, नहीं पे लिखवा दिया मैंने, साझे में चल रहा वो मन के साथ में। बाकी ख्याल रखो, खालिद तो लेगा बदला।